हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के ब्रिस्टिक चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाते हैं। दोस्तों, डाटा एंट्री फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है एमएस एक्सेल में। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस तरह की वीडियोज मैं हमेशा डालता हूँ जो आपके लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ कि डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहले पहले की वीडियोज में बता चुका हूँ कि बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने बताया है कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। तो देखिए, सबसे पहले आप फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, ठीक, और जितने सारे आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तीन ही सेव अंडो रीडू, बस तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक ना। और यहाँ यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक, और फिर इसके बाद आपको फाइल मेनू में जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और कस्टमाइज पे जाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से कमांड नॉट इन द रीजन ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन हम कौन से नहीं, मतलब फिर फॉर्म को ऐड करना है आपको। फॉर्म को ऐड कर लीजिए, फिर ओके कर लीजिए, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे अंडो रीडो के साथ साथ फॉर्म सेव अंडो रीडो और फॉर्म आ गया ऑप्शन, मेरा अंडो का, ये रीडो का हेड है और ये सेव का, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद आप इसको सिलेक्ट ही करे रखना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं डाटा फॉर्म से, लेकिन यहाँ आप क्लिक करिए फॉर्म पे, फिर इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का नॉट डिटरमाइन विच रो इन योर लिस्ट और सिलेक्शन कंटेंस कॉलम लेवल विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कमांड। मतलब ये कह रहा है कि इस कमांड के द्वारा आप अपने बनाए हुए फॉर्म में रो और कॉलम के लेवल में वैल्यू डाल सकते हैं, तो आप इसको ओके कर देना है। फिर इसके बाद ये देखिए, जितने भी हमने कॉलम बनाए, ये फील्ड बनाई है, वो सारे नाम आ गए, जैसे नेम, एड्रेस, एज, ईमेल। तो सबसे पहले आप नेम डालिए, इसे मैं डाल देता हूँ, ईमेल जो है वो मतलब लिंक के रूप में आ गया, उसे भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, जैसे राज, फिर इसके बाद एड्रेस दे दीजिए सतना, एज हो गया 32, ईमेल राज 2018@gmail.com। फिर इसे क्राइटेरिया कर दीजिए, पहुंच जाएंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट जाएंगे, क्राइटेरिया कर दीजिए, क्लोज कर सकते। मतलब इस तरह से आप बहुत सारे डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, राजू के बाद
दिल्ली एजन क्यूबी क्रिटेरिया कर दीजिए, ये दूसरा आ गया दोस्तों। फिर इस तरह से आप जितने भी चाहें बना सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोज मैं देता रहूँ। आप इस तरह से बहुत सारे फॉर्म बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार बना दिए तो बस एक ही बार बनेगा, जितना आप चाहेंगे उतना बनेगा। देखिए जितना आप चाहते हैं उतना बना सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।